हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही टेम्पटिंग सी, बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आने वाली चीज़, जो है फ्लेवर्ड चॉकलेट। ये फ्लेवर्स आप अपने मन से रख सकते हैं, साइज़ और शेप भी आप अपने मन से रख सकते हैं और ये बिल्कुल मार्केट के जैसी बनती हैं और बहुत ही कम सामान में आप बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स अपनी पसंद की बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये कुछ चॉप्ड है, चीनी ली है, बटर है, ये गुलकंद है, पिस्ता है जो कि बारीक कटा हुआ है, ये डार्क कंपाउंड है और ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड है जो कि मार्केट में बहुत ही ईजली मिल जाती है। ये मैंने आइस ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरीके के चॉकलेट मोल्ड्स नहीं हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एक आइस ट्रे में भी कैसे बहुत आसानी से अपनी पसंद की चॉकलेट बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एक शुगर सिरप तैयार करते हैं। इसके लिए शुगर सिरप तो नहीं है, ये कैरमलाइज्ड शुगर है। इसके लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, पैन में हमने चीनी डाल दी है और चीनी को बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए हमको मेल्ट कर लेना है। ये थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म में जब आने लग जाएगी, तब हम इसमें, जब ये कलर चेंज थोड़ी करने लग जाएगी और क्रिस्टल फॉर्म में आने लग जाएगी, तब हम इसमें बटर डाल देंगे और बटर डाल करके भी बिल्कुल धीमी आंच पर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। ये हम बना रहे हैं बटर स्कॉच फ्लेवर की चॉकलेट, जिसके लिए हम ये शुगर इस तरीके से इसको कैरमलाइज कर रहे हैं। शुगर जब क्रिस्टल फॉर्म में आने लग जाए, थोड़ी थोड़ी एक साथ इकट्ठा होने लग जाए और मेल्ट नहीं हो रही होगी, उसी टाइम हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। करीब एक चम्मच के करीब हम इसमें बटर डाल देंगे और बटर डाल करके भी थोड़ा सा मिलाते रहेंगे। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होने लग जाएगी, इकट्ठा होने लग जाएगी, तब हम धीरे धीरे करके 1-1 टीस्पून इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से थोड़ा सा ये चीनी घुलने लग जाएगी। हमको इसको पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए, बस इतना हमको करना है। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल धीमी आंच पे करनी है। जब ये चीनी काफ़ी मेल्ट होने लग जाएगी, कलर चेंज करने लग जाएगी, तब हम इसमें थोड़ा सा बटर और थोड़े से अपने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसके बाद इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ी जम जाएगी, पूरी तरीके से हमको इसको जमाना नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहनी चाहिए जिससे हम इसको ब्रेक करके छोटे पीसेस में कर सकें। ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। आइए चलिए हम अपनी चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। हम व्हाइट चॉकलेट को पहले जो है छोटे छोटे पीसेस में एकदम चॉप कर लेंगे और इसके बाद इसको या तो फिर आप चाहें तो डबल बॉयलर में और या तो फिर माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड्स के लिए रख करके और फिर अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मेल्ट कर सकते हैं। आइए हम आपको डबल बॉयलर में किस तरह से मेल्ट करते हैं ये दिखाते हैं। इसमें हमने एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा पानी चढ़ाया है और एक कांच का बोल लिया है जो कि पैन के ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके और उसमें पानी बिल्कुल ना जा सके और धीमी आंच पे करते हुए लगातार चलाते हुए हम इसमें चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट आधी मेल्ट हो जाएगी तभी हम अपनी गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि जितना पानी गर्म हुआ है उसमें हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, चॉकलेट को मेल्ट करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट एलिमेंट होती है। व्हाइट चॉकलेट तो बहुत जल्दी जलती है, इसलिए आपको ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना होगा। देखिए, आइए सबसे पहले हम जो है अपने आइस मोल्ड में किस तरह से आसानी से चॉकलेट बना सकते हैं ये देखते हैं। पहले हम अपने आइस मोल्ड को अच्छी तरीके से चिल्ड कर लेंगे। हमारी आइस मोल्ड जो है वो बिल्कुल ही चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद उसको हम आधा आधा चॉकलेट से भर लेंगे। ये मैंने व्हाइट चॉकलेट से पहले बनाई है। ये हम गुलकंद फ्लेवर की चॉकलेट बनाने जा रहे हैं। ये जो गुलकंद मैंने लिया है ये रेडीमेड है, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इस तरीके से चॉकलेट आधी डालने के बाद, मेल्टेड चॉकलेट को आधा आधा स्पून हमने इसमें डाला है, फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा गुलकंद बीच में डाल दिया है। उसके बाद फिर से हम ऊपर से इसको पूरा कवर अप कर लेंगे और ऐसे इस तरीके से बनाने के बाद
फ्रेंड्स, जितनी भी चॉकलेट्स हम बनाएंगे सबको जब हम फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसको फ्रीज़र में 10 से 12 मिनट के लिए आप रखेंगे तो आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। थोड़े से पिस्ताचियोज़ डाल करके हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं टैप करने का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने फिल कर लेंगे चॉकलेट को तो उसके बाद आप इस तरीके से उसको ज़रूर से टैप करें। टैप करने से एक्सेस एयर जो है वो निकल जाएगी और चॉकलेट पूरी तरह से जो भी आप मोल्ड यूज़ करें उसमें भर जाएगी। नहीं तो अगर आप टैप नहीं करेंगे तो उसमें एयर रह जाएगी और आपकी चॉकलेट्स में होल बन जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगी। अब हम देखते हैं डार्क चॉकलेट का एक फ्लेवर बना लेते हैं। डार्क चॉकलेट को इस तरीके से हमने आइस ट्रे पे फैला लिया है। आधा ही भरेंगे, पूरा इसमें नहीं भरेंगे क्योंकि हमको इसमें फिलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से आप कर लीजिए। एक बोल में हमने एक थोड़ी सी चॉकलेट निकाली है, उसमें हमने जो बचे हुए हमारे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स थे उसको मिक्स कर लिया है। ये हम एक ड्राई फ्रूट फ्लेवर की बना रहे हैं। ये मेरे पास मोल्ड है, इसमें थोड़े से हार्ट शेप बने हैं, फ्लावर है, मिकी माउस का फेस है। इसमें हम इस तरीके से फिलअप कर देंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट ऑलरेडी फिल कर दिए हैं तो इसीलिए हम ये मोल्ड पूरी तरह से चॉकलेट से भर देंगे। चॉकलेट से भरने के बाद एक पैलेट नाइफ लेंगे। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो ये आप किसी चौड़े मुंह वाले नाइफ से भी कर सकते हैं या आप स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद हम इसको पूरी तरह से पहले टैप कर लेंगे जिससे कि सारी चॉकलेट अंदर अच्छी तरीके से फिल हो जाए। फिर एक पैलेट नाइफ लेकर के इसको स्मूथन अप कर देंगे, बराबर कर देंगे जिससे कि और सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट जो अगल बगल लगी है, जो गिर गई है, वो हम हटा देंगे एक पैलेट नाइफ से। पैलेट नाइफ ना हो तो आप नाइफ के जो कोने वाला पार्ट होता है, पॉइंटेड पार्ट होता है, उससे आप कर सकते हैं और एक्सेस सारी जारी चॉकलेट आप निकाल देंगे। ये मेरे पास एक स्पून शेप है, इसमें हम पिस्ताचियो फ्लेवर की बना रहे हैं। इसमें मैंने पिस्ताचियोस फिल कर दी हैं एक साइड पे। अब हम थोड़ी सी वाइट चॉकलेट के बना लेंगे स्पूंस और थोड़ा डार्क चॉकलेट का बना लेंगे। जिस तरीके से अभी बताया था उसी तरीके से इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम एक्सेस सारी जितनी चॉकलेट है उसको निकाल लेंगे जिससे कि हमारी चॉकलेट अच्छे शेप में और क्लीन और अच्छे शेप में निकल सके। साइड्स में हमारे पास कम चॉकलेट दिखे, नहीं तो आपका अनटाइडी वर्क लगेगा। इस तरीके से फाइन तरीके से आप किसी भी पॉइंटेड चीज से सारी एक्सेस चॉकलेट हटा लीजिए। इसी तरीके से डार्क चॉकलेट का भी हम करेंगे। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप जब मोल्ड में भर लेंगे तब आप इसको अपने फ्रीज़र के उसमें 10 से 12 मिनट के लिए रखने पे ही हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और जैसी मार्केट में फ्लेवर्ड चॉकलेट्स मिलती हैं हम उस तरह से बना सकते हैं। ये हमने थोड़े से बादाम एक में फिल किए हैं, कुछ काजू फिल किया है, एक में हमने अखरोट फिल कर दिया है। इस तरीके से आप कोई भी अपने मनचाहा ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, केवल यही नहीं, ये देखिए ये हमारी जो अभी हमने शुगर को कैरमलाइज किया था वो हमारी सेट हो गई है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे जो कि हमारी बटरस्कॉच फ्लेवर की चॉकलेट बनेगी। इस तरीके से जैसे अभी हमने दिखाया इसी तरीके से हाफ हाफ फिल करेंगे मोल्ड में। उसके बाद एक एक पीस हम ये जो शुगर तैयार किया है ड्राई फ्रूट के साथ बटर स्कॉच का, वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर ऊपर से कवर अप कर देंगे। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर फिल कर सकते हैं। किसी भी फ्लेवर का कोई भी सिरप आप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें डाल करके अपने फ्लेवर का बना सकते हैं चॉकलेट और अपने मनचाहे ढंग से इसको सेट कर सकते हैं। देखा फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना आसान है। ये चॉकलेट्स आपकी मिनटों में बिल्कुल बन करके बाज़ार की तरीके से तैयार हो जाती हैं। आपने घर में बनाई हैं, आपके अपने हाथ से बनी हुई है। इसको आप किसी भी ओकेजन पर बना करके किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं और अपने किसी भी ओकेजन को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। और क्योंकि चॉकलेट्स शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे चॉकलेट ना पसंद हो, और फ्लेवर्ड चॉकलेट आपने अपने हाथ से बना के किसी को गिफ्ट की है तो वो और भी अच्छी लगेगी। देखिए ये हमारी चॉकलेट सारी सेट हो गई हैं। अब हम इसको डीमोल्ड करके दिखाते हैं कितने आसानी से ये निकल जाएगी। बस इसको हमें थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा दबाना है और बहुत हल्के हाथ से इसको हमें निकाल लेना है। इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, नहीं तो चॉकलेट टूट जाएंगी।
आप अपनी चॉकलेट्स को इस तरीके से निकाल लीजिए, सेट कर लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे कलरफुल रैपर से आप रैप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स आते हैं, उसे रैप कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव मटेरियल मिलते हैं, इससे आप डेकोरेट करके इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस रेसिपी एंड इट इज़ अ वेरी ईजी रेसिपी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड कमेंट मी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।